दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल तो बोल दिया करो, बट मेहनत भी करो। ऐसी मेहनत करो कि कदे भी शीशा देखो तो आप दे आप रेगरेट नहीं होना चाहता। देखो कामयाब हमेशा दो बंदे होंगे, एक तो आप दे आप कामयाब वो कह सकते हैं जेडे 2-3 महीने वध तो वध 6 महीने च तैयारी करके रफू चक्कर होया तो भी साड़ी तो नौकरी लागे, चाहे वह कलर्क वाली हो चाहे कोई भी हो। ते एक कामयाब वो होंगे जिहड़े कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर वो अपने आप नू किसी ना किसी रूप दे विच ढाल लेंदे आ, ढाल लेंदे आ। हुण जे पीसीएस नहीं क्लीयर होया तां मरना नहीं, मरना नहीं, राइट है, कोई चक्कर नहीं। नहीं होया तां तुहाडी नॉलेज नहीं खराब जाऊगी, ये हमेशा याद रखो। काफी जाने जज करते हैं लोग, काफी जाने लोग जज करते हैं कि यार उदा आपदा तां क्लीयर नहीं होया वो की पढ़ा दूगा। ओ भाई मेरे, ओ कदे देख लियो कि जे तुसी पीसीएस वाले स्टूडेंट कोले चले जाओ, इवन के पीसीएस क्लियर वाले कोले चले जाओ, ओहो टीचर तो उत्ते कदे नहीं हो सकता, वो टीचर तो उत्ते कदे नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर दा काम आहा सोर्स तो पढ़ना, आहा सोर्स तो पढ़ना, आहा सोर्स तो पढ़ना। क्यों? क्योंकि उन्हों नलायक स्टूडेंट भी मिलूगा, उन्हों होशियार स्टूडेंट भी मिलूगा, उन्हों मडियोकर स्टूडेंट भी मिलूगा, उन्हों एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी मिलूगा। तो टीचर तो बहुत तकड़ा होंगे भाई, पर उही गल भी अपने समाज के उन्नी कदर टीचर नो नहीं दिती जाती, राइट है। सो जदों एक स्टूडेंट का पेपर क्लीयर होंगे ना, पेपर क्लीयर होने का कारण की है मैं दसदा, तुम कहो भी साडा पेपर क्यों नहीं क्लीयर होंगे, क्लीयर होने के कारण की है, उन्होंने कोई कॉमन एक्सपैक्ट होंगे की होंगे, एक तो उन्होंने मेहनत की होंगी जो कि पहले नंबर पर आता है, इनू कदों भी तुम ठुकरा नहीं सकते, एवं कदम नहीं तुम कह सकते कि यार कल किस्मत दे लग गया, मेहनत तो लगती है, मेहनत लगती है। दूसरे नंबर से थोड़ी की आ जाती है किस्मत बदल दी, देखी किस्मत, किस्मत जरूरी है। किस्मत का मतलब की है, हम इतने किस्मत के मतलब बहुत सारे निकले होंगे, किस्मत का मतलब यह है जेकर ऑनलाइन पेपर है तो थोड़ा कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर थोड़ा चल रहा है, राइट है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, हो सकता चलता चलता खराब हो जाए तो इनू किस्मत कहते हैं, हो सकता तुम जा रहे हो थोड़ी बस खराब होगी, हो सकता तुसी बस दे विच बैठे हो तुसी बीमार हो गए, एनगजाइटी होगी, कुछ भी हो सकता गा, गैस बन गई फलाना त्योंका, कुछ भी हो सकता गा, राइट है, थोड़ा सिर दुख लग गया, हवा लग गई, कुछ भी हो सकता, राइट है, तो एहो जा कुछ भी हो सकता गा, राइट। फिर इनवायरमेंट बहुत स्ट्रोंग रोल प्ले करता है, इनवायरमेंट तुसी घरों जदों जा रहे हो तो किवें जा रहे हो, लड़के जा रहे हो, भज के जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, कोई एडमिट कार्ड भुल के तो नहीं जा रहे, कोई डर तो नहीं पहला बिठाई बैठे, एक चीज यह होंगी है। एक चीज होर मैटर करती है कि जिहड़ा सब तो इन्ना सब तो ज्यादा वड्डा रोल प्ले करता गा वह करता जी तुहाडा, तुहाडा प्रैशर, कि तुसीं प्रैशर किन्ना कर लैंदे हो, यह हरेक का अपना अपना कारण हो सकता गा। कई बहुत ज्यादा प्रैशर ले जाते हैं, कई इन्ने ज्यादा कंब जाते हैं कि उन्होंने ऐ लगता भी जिवें वह बार्डर से चले होंगे, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, एंड ज्यादातर प्रेशर कौन फील करता है, जेडे बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादा हार्ड वर्क किया होंगे गा, या उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होंगी, हमेशा प्रेशर उन्होंने को, जो पढ़े कख नहीं होगी प्रेशर सवाल होगा, वह तो लंडे चढ़े वागू सीधा जाता भी क्या बात है जी मैं तो फटे चक दूं जान सर, क्योंकि पढ़े कख नहीं होंगे, तो जेडे बंदे ने बहुत ज्यादा पढ़िया होंगे उस को प्रेशर होंगे, बस इसे प्रेशर को ढालण वास्ते ही एक मूल मंत्र आता मॉक टेस्ट, इस करके हमेशा कहते होंगे कि भाई घरों मॉक टेस्ट ला के जाओ, तो मॉक टेस्ट इन्ने ज्यादा लगने चाहिए आ कि थोनू पेपर दे विच जाके आई ना लगे कि पेपर है, थोनू लगे कि तो मॉक टेस्ट है, ये तो मॉक टेस्ट है। इन्ना प्रैशर अपने आप से क्रिएट कर लो, इन्ना प्रैशर अपने आप से क्रिएट कर लो, टाइमर ला लो, मॉक टेस्ट तो तुसी देना ही देना है, देना ही देना है, चाहे थोनू आउंदा है चाहे थोनू नहीं आउंदा, ते कदे भी घर विच आए नंबरां तो डीमोटिवेट नहीं होना, कदे भी किसे दे पेपर बनाए तो डीमोटिवेट नहीं होना, कदे भी किसे टेस्ट सीरीज तो डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि उही तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, उही थोड़ा प्रैशर हैंडलिंग है, राइट। जेकर मैं पेपर पाया तो उतों तो थोनू प्रैशर चो निकलना चाहिए कि शुक्र है मैनू इत्थे नहीं आउंदा, पेपर दे विच तो मैनू हुण पक्का आऊगा, क्यों, क्योंकि तुसी उस मॉक टेस्ट का सब तो मेन पॉइंट एनालाइज करोगे, सब तो मेन पॉइंट एनालाइज करोगे, जिन्ना टाइम तुसी पेपर का एनालाइज नहीं किया पेपर करने का कख भी फायदा नहीं,
चाहे जिन्ना मर्जी मथा मार लो, पेपर दा एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पेपर दा जिन्ना टाइम एनालिसिस नहीं होंदा उन्ना टाइम कख दा फायदा नहीं हैगा। पॉइंट नंबर एक राइट हो गया। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इन्ना ही है कि भाई आ चीजा जेकर स्ट्रोंग हो गई, आ चीजा तुहाडी फेवर दे विच चली गई, पेपर कोई मां दा पुत तुहाडा रोक ही नहीं सकता। पर सब तो वड्डी गल इत्थे आके रुक जांदी है, एंड इस चीज नूं एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत जदों कामयाब जिहड़ा बंदा हो जांदा ना, वह हमेशा किस्मत नूं लत मारदा, हमेशा किस्मत नूं लत मार दिंदा कि किस्मत जी कख नहीं हुंदी। पर यह हमेशा उही बंदा कहूगा जिहड़ा बंदा दो तीन महीने वाला, जिहड़ा बंदा दो तीन महीने छे महीने च कामयाब हो गया, वह कहूगा जी किस्मत तो जी कुछ नहीं होंगी। पर उन्होंने पूछ के देखो जो तीन सालों के लगे हुए, चार साल के लगे हुए, पांच साल के लगे हुए, दो साल के लगे हुए, उन्होंने पढ़ाई के कोई कमी नहीं हैगी, बस थोड़ा जा किस्मत का फैक्टर है, तो जा फिर तुम इतने मार खा जाने जिहड़ा कि आप किस्मत दे विच लै जाने। हालांकि प्रैशर जिहड़ा हैगा वह किस्मत का ही पार्ट है, पर प्रैशर नूं तुसीं मेहनत दे नाल चेंज कर सकते हो। मेहनत की है मॉक टेस्ट, इसे करके कहिंदे हुंदे आ कि जेकर मेहनत इन्नी ज्यादा कीती होवे तां किस्मत भी चेंज हो जाती है। तां उस किस्मत विच चेंज होर कुछ नहीं हुंदा, ना कंप्यूटर चेंज होवे, ना तुहाडी बस चेंज होवे, ना तुहाडा एनवायरमेंट चेंज होवे, इन्हां ने तां रहना ही रहना किस्मत दे विच ऑटोमैटिक। पर तुसीं जिहड़ी किस्मत चेंज करदे हो वह प्रैशर दे नाल चेंज करदे हो, वह प्रैशर दे नाल चेंज करदे हो। एंड प्रैशर चेंज किवें हुंदा गा, हमेशा मॉक टेस्ट दे नाल, हमेशा जिन्ना कंपीट करोगे, जिन्ना लड़ोगे, जिन्ना पेपर सॉल्व करोगे, जिन्ने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अरे खा जो यार आ बुक पई है किन्नी कि तगड़ी तोप है यार, तुसी चार घंटे पांच घंटे मैंने जी किन्ने घंटे पढ़ना चाहिए भाई, जिनी तुहाडी पहुंच है पढ़ो। कंपीटिशन बहुत है, कंपीटिशन बहुत है, 2,45,000 ने पटवारी भरता, PSPC लाजूगा, नैब तहसीलदार, बहुत बेरोजगारी है। सो भाई कंपीटिशन दे विच लड़ना, थोनू एहो जे बहुत टक्कर लगे कदे यकीन ना करो, बहुत टक्कर लगे कि मैं तो जी 2 महीने पढ़िया, मैं तो जी 3 महीने पढ़िया, मैं तो बेसिक बेसिक कर लिया। मैं थोनू बेसिक नहीं कहता, मैं थोनू स्ट्रोंग नहीं कहता, मैं थोनू टफ नहीं कहता, मैं थोनू ईजी नहीं कहता, पर पेपर क्लीयर करना होना चाहिए गा। पेपर क्लीयर करने वास्ते स्ट्रैटेजी हमेशा तुहाडी इह होनी चाहिए आ, 60-70% थ्योरी पढ़ो, बाकी परफेक्ट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, एंड हमेशा उन्होंने एनालाइज करो, हमेशा कंसैप्चुअल चलो, कदे भी रट्टा किसी चीज़ को ना लाओ, हमेशा रट्टा घट तो घट, जिथे 1972, 1990, 1909, 1919, 1927 यह कुछ जिते याद करना, जिथे कोई नाम याद करना, जिथे उत्थे माड़ी मोटी क्रैमिंग कर सकते हो, बट हर वक्त रट्टा नहीं लगता। खास करके मैथ, रीजनिंग, ईवन के GK दे विच भी हर वक्त रट्टा नहीं लगता, रट्टे वाले कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, रट्टे वाले कामयाब डिग्रियां तक ही होंगे। देख लियो आपके पिछे मुड़ के, BTech वाला कामयाब होगा, 90% नंबर आ गए होंगे रट्टे ला के, पर एक्चुअल जो पेपर देना पैंदा गा उदो पता लगता गा दिमाग का, उदो परसेंट मैटर नहीं करते। मेरे अपने 60% है प्लस 2 के विचों, तो की दसो चीज मैटर नहीं करती, राइट। मेरे अपने फिजिक्स के 75 के 12 नंबर आए थे कच्चे पेपर के पक्या चा पास से, राइट। सो कहने का मतलब यह है कि डजेंट मैटर तुहाडे किन्ने नंबर है, डजेंट मैटर तुसी किसी पिंड तो, डजेंट मैटर तुसी किसी शहर तो, डजेंट मैटर तुसी सेंट जोसेफ पढ़े हो, तुसी कोई क्रिश्चियनिटी कोई तुसी क्रिश्चियन जिहड़े कॉलेज है इंस्टीट्यूट है उन्होंने तो पढ़े हो, डजेंट मैटर तुसी मैटर करदे हो, तुहाडी मेहनत मैटर करदी आ। पिंड तो उठ के बहुत ज्यादा लोग आ जिहड़े अफसर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग आ जिहड़े बहुत कुछ बन जाते हैं। सो अपने आप को पहचानो, अपने आप को हमेशा कहते रहो यू आर द बेस्ट, थोनों कोई जज नहीं कर सकता, थोनों कोई माड़ा नहीं कह सकता, हरेक का अपना अपना फील्ड होंगे गा। जे कोई मैं अंग्रेजी के माड़ा कह दे तो मैं बुरा नहीं मना, मैं किसी पेपर के बह जा मेरे अंग्रेजी के 0, 1, 2, 3 गलत हो जाते हैं, जेकर वह फीलिंग की बैलेंस जाने कि सेंस बेस्ड आ जाए, रट्टे वाले तो मेरे भी सही होंगे, एवजी गल नहीं, रूल मेरे सारे याद है, ग्रामर मेरे सारे याद है, एवजा कुछ नहीं, पर जिते सेंस कम आ जाए, जिते कंसैप्ट कम आ जाए, उत्थे मैं इंग्लिश के मार खा जूंगा। पर अपने आप को पहचानो, जेकर कोई पेपर नहीं भी क्लीयर होंगे तो थोड़े को राह होने ही चाहिए, अल्टरनेट होने ही चाहिए, जिद राही तुम बहुत वड्डी तरक्की कर सकते हो, बहुत वड्डिया कामयाब हो सकते हो, कोई माड़ी गल नहीं हैगी। देश आ अपना ही देश आ, अपने देश के बेरोजगारी आ, अपने देश में आप ही माड़ा कहने, अपने देश में आप ही चंगा कहने लग जाएंगे जिदन थोड़ा पेपर क्लीयर हो गया। अज तो मोदी सरकार बहुत गंदी लगती होगी, पर जेकर थोड़े कोल सरकारी नौकरी होगी गरंटी कहना थोड़ा उन्नी ज्यादा गंदी नहीं लगेगी, क्योंकि थोड़े कोल सरकारी नौकरी तुम अपने कंफर्ट जोन चो, पर जो बेरोजगार है वह बहुत ज्यादा गालां कढ़दा, वह बहुत ज्यादा करूंगा, राइट। पर उही गल है कि जिहड़े बंदे पढ़े लिखे आ,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾੜਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਛੀਕਾ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਛੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੀਕਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਜਾਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਸਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਜੂਗਾ, ਪੈਨਸਲ ਗੁੰਮ ਜੂਗੀ, ਪੈਨ ਗੁੰਮ ਜੂਗਾ, ਘੜੀ ਗੁੰਮ ਜੂਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਫਾਟਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਟਕ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਫਾਟਕ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਪੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਮਾਂ ਕੂਲ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਠੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੂਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੂਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੂਗੀ। ਕਲੈਪਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 26, 35, 55, 60, 61, 63, 65, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਸੈੱਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਨਲੋਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਣ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ,
ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, होर नवे नवे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, रब रखा।